नमस्कार, आज हिंदी भाषा विज्ञान में मैं एक बहुत मुख्य विषय लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है राजभाषा हिंदी। राजकाज चलाने के लिए किसी ना किसी भाषा की आवश्यकता तो पड़ती है, वह भाषा राजभाषा कहलाती है। अपने समय में संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश राजभाषा रही है। राजभाषा हिंदी से तात्पर्य ये है सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा कहलाती। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर सन 1949 को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। धारा 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख तो नहीं मिलता, परंतु हम देखते हैं कि संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राज्यभाषा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 120 किन कार्यों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किन कार्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाना है और किन के लिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है। यह राजभाषा का अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और उनके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है। अब हम बात करेंगे राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा की। स्वतंत्रता पूर्व यदि हम देखते हैं 1872 में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी कलकत्ता में केशव चंद्र सेन से मिले तो उन्होंने स्वामी जी को ये सलाह दे डाली कि आप संस्कृत छोड़कर हिंदी बोलना प्रारंभ कर दें तो भारत का असीम कल्याण होगा। तभी से स्वामी जी के व्याख्यानों की भाषा हिंदी हो गई और शायद इसी कारण स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की भाषा हिंदी रखी है। 1873 में महेंद्र भट्टाचार्य द्वारा हिंदी में मटेरियल साइंस यानी पदार्थ विज्ञान की रचना की गई। 1877 में श्रीधाराम पिल्लौरी ने भागवती नामक हिंदी उपन्यास की रचना की। 1893 में काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई और 1918 में मराठी भाषी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से घोषित किया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। 1918 में महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। 1935 में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सी राजगोपालाचारी ने हिंदी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद की। जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 सितंबर 1949 संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसी दिन को अब आप और हम सब मिलकर हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने का औचित्य क्या था, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। हिंदी को राजभाषा का सम्मान कृपापूर्वक नहीं दिया गया, बल्कि यह उसका अधिकार है। यहाँ अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा बताए गए निम्नलिखित लक्षणों पर दृष्टि डाल लेना ही पर्याप्त रहेगा जो उन्होंने एक राजभाषा के लिए बताए हैं। पहला, प्रयोग करने वालों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए। उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार होना चाहिए। यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों। राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए। उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अल्प स्थायी स्थिति में जोर देना नहीं चाहिए और इन लक्षणों पर हिंदी भाषा बिल्कुल सटीक और खरी उतरती है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। खंड एक में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिसके लिए उसका प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अलावा देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के बाद विधि द्वारा आयोजित करेगा। हिंदी भाषा या खंड खा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगा जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट किए जाते रहेंगे। राजभाषा संकल्प 1968। भारतीय संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा ने 1968 में राजभाषा संकल्प के नाम से निम्नलिखित संकल्प लिए। आइए हम इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है। ये सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति को बढ़ाने के लिए तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों और की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और ये सब राज्य सरकारों को भेजी जाएंगी कि 8वीं अनुसूची में हिंदी के अलावा भारत की 22 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए ये आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूरी तरह से विकास के लिए सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए। ये सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हो और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बन सके। नंबर 3, जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा के लिए ये जरूरी है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए। ये सभा संकल्प करती है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी तथा अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए और जबकि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों की न्यायोचित दावों और हितों को पूरी तरह से परिणाम दिया जाए। ये सभा संकल्प करती है कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा या पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन के लिए केवल अंग्रेजी या केवल हिंदी या अथवा दोनों को ही यदि हम लेते हैं कि जैसी स्थिति उत्पन्न हो सके और उसका उच्च स्तर पर ज्ञान हो या ज्ञान होना आवश्यक हो। परीक्षाओं की भावी योजना प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के बाद अखिल भारतीय और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी के वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी। अब हम बात करेंगे एक और मुख्य विषय इसी के अंतर्गत, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है।
तो पहले हमने देखा कि राष्ट्रभाषा क्या है और फिर हमने देखा कि राजभाषा क्या है। आइए हम उसका दोहराव करते हैं। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आम जन की भाषा, जो समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो। राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। राष्ट्रभाषा का रूप लचीला होता है और इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। हमारे देश की संपर्क भाषा और राजभाषा दोनों हिंदी ही है। अब हम बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा का, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा का रूप लचीला होता है और इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालयों एवं हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज हिंदी में होता है। अन्य राज्य सरकारें अपनी अपनी भाषाओं में काम करती हैं, यथा महाराष्ट्र मराठी में, गुजरात गुजराती में और पंजाब पंजाबी इत्यादि में। और सबसे अंत में हम बात करेंगे संपर्क भाषा की, जिसको कि मैंने राष्ट्रभाषा के रूप में आपको बताया। संपर्क भाषा ऐसी भाषा है जो बहुत से लोग जानते हैं, जैसे कि इंग्लिश। किसी भी देश में चले जाइए, आपको किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया जाना आना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग की जाती है। आप किसी से भी बात करने के लिए उस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जो सिर्फ किसी एक विशेष क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हर एक विशेष क्षेत्र के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक होना चाहिए। इतनी सारी भाषाएं एक व्यक्ति तो नहीं सीख सकता, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो सभी देश और देश के सभी व्यक्तियों को समझ में आती हो। तो ये तो थी संपर्क भाषा। इस तरह से आपने देखा कि राजभाषा क्या है, उसकी परिभाषा को जाना, और आज के समय में जिस समय से संविधान का निर्माण किया गया है हमारे भारत देश का, तब से लेके आज तक हिंदी भाषा की क्या योग्यता है, उसे कितना सम्मान दिया गया है और वो कितनी ज़्यादा उपयोगी है आपके लिए और हमारे लिए, आज हमें यह समझ लेना चाहिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। किसी अगले अंक में मैं दोबारा आती हूँ आपके लिए कोई मुख्य विषय लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।